हेलो गाइज, वेलकम टू मिथ बेकर्स। और आज ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने जा रहे हैं, जो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये स्पंज लिया, कटिंग किया और ये इसके ऊपर सिरप डाला, फिर व्हिप क्रीम और फिर ये डार्क चेरी फिर डालना होता है इसके। डार्क चेरी, अब रेड चेरी भी डाल सकते हैं। डार्क चेरी डाला इसके ऊपर, फिर ये अपना हो गया केक रेडी। आइसिंग, वही जो आइसिंग करते हैं, आइसिंग सिंपल करना है, कुछ खास नहीं इसमें। तो ब्लैक फॉरेस्ट थोड़ा सा हट के बनाया हमने, नॉर्मल से थोड़ा हट के है। साइड में कटिंग, फिर क्रीम लगाएंगे साइडों में। तो ये अपना फिर ये फिर साइडों में कटिंग, इतना बहुत ये हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। इसको उठा लेंगे बेस पे और इसको डिजाइन मारेंगे। जो आसान नोजल, ये नूर का नोजल है, ये अच्छी तरीके से ये हो चुका है। अब इसको रेप करेंगे, जो लेस बनाएंगे। तो इसके हिसाब से कम से कम ये 3 इंच होनी चाहिए, 3 इंच या 2.5 इंच चौड़ाई। तो 2 पीस हमने ऐसे कर लिया, बराबर दोनों होना चाहिए। फिर कटिंग कर लेंगे, जो कटिंग करेंगे नाइफ दांत ज़्यादा बड़ी दांती नहीं होना चाहिए। अपने नाइफ में करेंगे या फिर जो पतली होती है उससे। अच्छा, डार्क कंपाउंड लिया, डार्क कंपाउंड ये गर्म नहीं है, मतलब नॉर्मल है ये बिल्कुल। इसको फिर जला टाइप बना देना है, बस सिंपल है, बिल्कुल बन जाएगा। ये हो चुका। और जब तक ये सेट हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे जो फ्लैक्स होती है, जो मुड़ी फ्लैक्स थी, उसको बना लेता हूँ। उसको टेबल पर डाल के इसको चलाते रहेंगे इस तरह, तो सेट जल्दी सेट होगा, फिर बराबर होगा। और अगर नहीं चलाएंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम सेट होगा फिर। तो हमें जल्दी करना है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब ये सेट हो रहा है, तब तक इसको लगा देते हैं। ये अपना सेट हो चुका है, इतना सेट होना चाहिए कि हाँ मतलब मुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। हो चुका है बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट बना है बिल्कुल। साइड में भी हो चुका है, लग चुका है दोनों। अब ये जो गोल गोल बना रहा था, ये उतना निकालना जितना लगाना है आपको, जितनी ज़रूरत है निकाल लिया हमने। और इसके बाद में इसको आप अपने डिजाइन से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे आपको भी रखना है। ये हो चुका है, इसके बाद रेप निकाल देंगे। ये बन चुका हमारा प्रॉपर। इसके बाद ये ग्लेज में मार रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी ग्लेज। इसके बाद थोड़ा शुगर पाउडर हल्का सा। तो अगर वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।